द वर्सेटाइल इंडियंस के पिछले वीडियो में हमने सीमा ढाका के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे उस वर्सेटाइल इंडियन की जिन्होंने अकेले ही मुंबई पुणे हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए एक शानदार कदम उठाया। नमस्कार, मैं हूं सपाली शर्मा। तो चलिए जानते हैं आज पीयूष तिवारी के बारे में। पीयूष तिवारी ने मुंबई पुणे हाईवे पर मल्टीपल इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस किए हैं। पीयूष ने 4 साल में 43% तक मुंबई पुणे हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट्स को रोक दिया है। पीयूष तिवारी अपनी एनजीओ सेव लाइफ फाउंडेशन को रन कर रहे हैं, जिन्होंने अकेले ही 2019 में 7,000 क्रैशेस को रोक चुके हैं। पीयूष के इस काम को देखकर स्टेट हाईवे पुलिस, स्टेट हाईवे अथॉरिटीज और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने भी अपना योगदान देना शुरू कर दिया है और अब पीयूष के साथ मिलकर इस काम को और भी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। साल 2016 में इस हाईवे पर 181 मौत हुई थी और यही आंकड़ा 2019 में 81 पर आ गया। 25% एक्सीडेंट होने का रीजन ड्राइवर का ड्राइविंग करते टाइम फोन यूज करना है। साल 2019 में 40% डेथ होने का रीजन रियर कोलिजन था और पीयूष ने लगभग 7,000 रियर कोलिजन होने से बचाया। इस हाईवे पर बहुत से इलीगल पार्क व्हीकल्स खड़े मिलते हैं, जिसकी वजह से रियर कोलिजन के चांसेस बढ़ते हैं। आने वाले कुछ टाइम में इस रास्ते पर ड्रोन शुरू कर दिए जाएंगे ताकि पेट्रोलिंग आसानी से हो सके और एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके। ड्रोन की हेल्प से केयरलेस ड्राइवर्स की एक्टिविटीज का पता लगाना आसान हो जाएगा। अगर रियर कोलिजन का इशू सॉल्व हो जाता है तो 70-80% तक के एक्सीडेंट्स इस हाईवे पर कम हो जाएंगे। सेव लाइफ फाउंडेशन का ये मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है तो हम भारत के सभी हाईवेज पर इस मॉडल को अप्लाई होते हुए देखेंगे। को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी वर्सेटाइल इंडियन से आप मिलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।